हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास बोर्ड SST का असाइनमेंट नंबर 5 का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का असाइनमेंट डिस्कशन क्लास है जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स 2। वन हम लोग एक पढ़े, ये 2 है। इसमें हम लोग जितने भी असाइनमेंट्स में आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसका डिस्कशन करेंगे। आपको आंसर सहित यहाँ बताया जाएगा, आप इसे नोट करेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहला सेक्शन है असाइनमेंट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको। जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द ब्रीफ ज्योग्राफी ऑफ दिस स्टेट्स, यानी कि कुछ स्टेट्स दिया गया है, टोटल 3 है ए बी सी, इन तीनों ही स्टेट्स का ब्रीफ ज्योग्राफी इंडिकेट करना है, यानी कि शॉर्ट में इनका जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है उसको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला है ए नंबर का आंसर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में क्या है, इट इज बॉर्डर्ड इंटरनेशनली बाय भूटान एंड द स्टेट्स ऑफ असम एंड सिक्किम ऑन द नॉर्थ ईस्ट, द स्टेट स्ट्रेचेस फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू बे ऑफ बंगाल इन द साउथ। ये इसका ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी। उसके बाद बी में आपको बिहार है। देखिए, बिहार इज अ लैंड लॉक्ड स्टेट, द स्टेट इज बाउंडेड बाय वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट, यूपी इन द ईस्ट वेस्ट एंड झारखंड इन द साउथ। इंटरनेशनली द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ नेपाल, यानी कि बिहार में एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो इसके नॉर्थ में लगता है, वो नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए झारखंड। ठीक है, इट वॉज स्प्लिट फ्रॉम साउदर्न पार्ट ऑफ अर्ली वाइल बिहार ऑन नवंबर 15, 2000। द स्टेट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ बिहार ऑन द ईस्ट, उड़ीसा ऑन द साउथ एंड यूपी एंड छत्तीसगढ़ ऑन द वेस्ट, यानी कि झारखंड की ये स्थिति है। ये 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तत्पश्चात हम देखते हैं कि इसका बाउंड्री इस तरह से शेयर होता है। ठीक है, देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मेंशन द ब्रीफ कल्चर ऑफ दिस स्टेट्स, यानी कि यहाँ पे आपको 3 स्टेट का नाम दिया गया, वेस्ट बंगाल, ए में बिहार सी झारखंड, इन तीनों ही का एक ब्रीफ कल्चर रिव्यू आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले ए नंबर में वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का देखिए, हिंदुइज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ द पीपुल, अदर रिलीजन लाइक सिखिज्म एंड क्रिश्चियनिटी आर ऑल्सो फॉलोड। ठीक है, द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इज बंगाली, यानी कि यहाँ पे हिंदू धर्म जो है एक मुख्य धर्म के रूप में, उसके साथ साथ सिख और ईसाई भी यहाँ बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो मुख्य भाषा है, स्थानीय भाषा है, वो बंगाली है, उसके साथ हिंदी इंग्लिश इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए बी नंबर बिहार। बिहार में आपका हिंदी, भोजपुरी एंड अदर डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी आर मेजरली स्पोकन इन बिहार, पीपुल आर वेरी स्किलफुल एंड आर्टिस्टिक, द मधुबनी पेंटिंग इज अ फेमस फॉर्म ऑफ पेंटिंग प्रैक्टिस इन द मिथिला रीजन। देखिए, बिहार जो है वह एक काफी कर्मठ लोगों का राज्य है। यहाँ के लोग ज्यादातर कौशल प्रधानता में विश्वास रखते हैं, कृषि यहाँ की मुख्य पेशा है। साथ ही साथ यहाँ की जो भाषा है वो काफी मधुर है, हिंदी भोजपुरी के साथ साथ हिंदी की जो बोलियां हैं वो यहाँ क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रचलित है, जो काफी मधुर होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार का, वो ग्लोबल है, वर्ल्ड फेम है, यानी कि पूरे दुनिया भर में मधुबनी पेंटिंग अपने आर्टिस्टिक के लिए प्रसिद्ध रहा है, जो मिथिला रीजन में बनाया जाता है ज्यादातर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा झारखंड। There are 32 tribal groups in this state. यानी कि झारखंड जो है वो मेनली एक ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर लगभग 32 ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, यानी कि 32 ट्राइबल ग्रुप, यानी आदिवासियों का जो 32 जनजातियां हैं वो यहाँ पे निवास करती है। मेजोरिटी ऑफ द पीपुल स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी, ये जो जनजातीय समूह है इनकी जो भाषा है वो भी कहीं ना कहीं हिंदी की डायलेक्ट लैंग्वेज ही है। द मेन रिलीजन फॉलोड इज हिंदुइज्म, साथ ही साथ झारखंड का जो मेन रिलीजन है, रिलीजियस थॉट है, वो हिंदुइज्म है। तो इस तरह से हम लोग का ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
मेंशन द ब्रीफ ऑक्यूपेशंस मेनली फॉलोड इन दिस स्टेट, यानी कि इन स्टेट्स का जो मेनली वहां का जो ऑक्यूपेशंस है उसको मेंशन करना है। तो वेस्ट बंगाल देखिए सबसे पहले ए नंबर में, वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के रूप में जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर कृषि मुख्य उद्योग के, कृषि एक मुख्य धंधा है, साथ ही व्यापार होता है, व्यापार के साथ साथ यहाँ पे कई सारे इंडस्ट्रीज भी है जहाँ से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स या फिर लोकल वर्कर्स काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बी नंबर में है बिहार, बिहार में एग्रीकल्चर यहाँ का मुख्य ट्रेड है, यहाँ का जो मेन काम है ऑक्यूपेशन का वो क्या है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी यहाँ पे है जिसकी सहायता से यहाँ की जीविका चलती है। उसके बाद नेक्स्ट झारखंड देखिए, झारखंड एग्रीकल्चर के साथ साथ मिनरल्स और इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए भी जाना जाता है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स लगे होते हैं और उस पे वेस्ट इंडस्ट्रीज को भी झारखंड में इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये सब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर में आपको बिहार के 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लिखना है, ठीक है। तो ये बिहार का 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है और इसके बारे में आप कुछ ब्रीफ रिव्यू अपनी जानकारी को लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी इसके बारे में आप लिख लेंगे खुद से। जैसे फर्स्ट है गोलघर, गोलघर कहाँ है हम लोग जानते हैं पटना में, गोलघर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग देश विदेश से घूमने के लिए इसको देखने के लिए आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वैशाली, वैशाली जो है वहाँ ऐसी मान्यता है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का प्रारंभ हुआ था, यानी डेमोक्रेसी की जो मदरलैंड है वो वैशाली है। साथ ही साथ यहाँ बुद्ध का जो शैक्षणिक गतिविधि प्रारंभ हुआ है वो भी यहीं से हुआ है। नेक्स्ट देखिए जू, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है जूलॉजिकल गार्डन, वहाँ पे काफी सारे अलग अलग प्रजाति के जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया गया है जिसे देखने लोग आया करते हैं। साथ ही साथ यह एक सिंग वाले गैंडे के प्रजनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए केसरिया, यह एक प्राचीन स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे काफी सारे पुराने डायनास्टीज के स्तूप मिलते हैं। साथ ही साथ बौद्धगया, बौद्धगया जो है वो बौद्ध धर्म के साथ साथ पूरे अन्य धर्मों के लिहाज से भी एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, यह बिहार के रेवेन्यू का भी एक मुख्य हिस्सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि राइट व्हिच नेम इज गिवन टू द होली रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, यानी कि गंगा नदी जो हम लोग यहाँ से बहती है उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, तो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में क्या क्या नाम दिया गया है उसको हम लोग जानते हैं। देखिए गंगा इज नोन एज हुगली इन द वेस्ट बंगाल, देखिए वेस्ट बंगाल में जैसे ही गंगा इन करती है तो उसका नाम हुगली हो जाता है। उसके बाद जब वेस्ट बंगाल से गंगा निकलती है और बांग्लादेश की ओर जाती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो इस तरह से हुगली और पद्मा ये रेस्पेक्टिवली गंगा का ही नाम है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि इन सब राज्यों का स्टैपल फूड क्या है। स्टैपल फूड मतलब होता है जो मेन भोजन है वहां का, जो लोग सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, अलाइव रहने के लिए मेन भोजन के तौर पे खाते हैं वो मेंशन करना है। कोई फेमस फूड यहाँ पे नहीं लिखना है, इसलिए वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला नहीं लिखा गया है, बिहार में लिट्टी चोखा नहीं लिखा गया। देखिए वेस्ट बंगाल का जो स्टेपल फूड है वो क्या है, राइस और फिश यानी मछली चावल वहाँ मुख्य रूप से स्टेपल फूड के रूप में खाया जाता है। बिहार, बिहार का राइस पल्स यानी कि बिहार का भी मुख्य राइस है, झारखंड का भी राइस और पल्स। इसमें हम एक चीज कॉमन देख सकते हैं कि ये जो इंडिया का ये सब रीजन है बिहार झारखंड बंगाल का, यहाँ पे राइस जो है वो है कॉमन स्टेपल फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, मेंशन एनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ गंगा, यानी कि गंगा का, गंगा नदी जो हम लोग के लिए जीवनदायिनी है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मेंशन करना है। तो कुल मिलाकर अगर हम गंगा को देखें तो उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि गंगा हम लोग के लिए न सिर्फ धार्मिक लिहाज से मोक्षदायिनी बल्कि जीवनदायिनी भी है इसलिए। लेकिन कुछ ऐसे ओकेजन्स आते हैं जब गंगा
कि जो जल स्तर है वो उसमें वृद्धि होती है और उसके कारण काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो डिसएडवांटेज में हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्लड पीपुल माइग्रेट टू अनदर प्लेस, यानी कि बाढ़ के कारण लोगों को अक्सर पुनर्वास की समस्या से सामना करना पड़ता है। तो अब आइए, ये डिसएडवांटेज था एक सिंगल। अब हम लोग एडवांटेज देखते हैं। देखिए, इट इज ए रिच सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन में यह सिंचाई का एक बहुत ही उपयोगी साधन है और महत्वपूर्ण साधन है। अगर गंगा नहीं हो तो पूरा का पूरा ये एरिया डेजर्ट बन जाए। सेकेंड देखिए, ड्यू टू दिस रिवर बेसिन एरिया, ड्यू टू दिस रिवर बेसिन एरिया बिकम फर्टाइल एंड प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, यानी कि गंगा नदी के जल के कारण जलस्तर में जो वृद्धि होती है या आसपास जो जल फैलता है उसके कारण पूरा का पूरा बेसिन एरिया जो है वह काफी फर्टाइल बन जाता है। फर्टाइल का मतलब है कि अधिक उत्पाद करने में सक्षम बनता है और ये अधिक फसल उत्पाद करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में एक मिसप्रिंटिंग है, मोशन लिखा हुआ है जो कि मेंशन है, आप उसको ठीक कर लेंगे। मेंशन द ओरिजिनेशन ऑफ द ब्रह्मपुत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की ओरिजिनेशन कैसे होती है उसको मेंशन करना है। तो देखिए, सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 में द रिवर गंगा स्प्लिट इनटू टू इन वेस्ट बंगाल, नेम द टू ट्रिब्यूटरीज, यानी कि गंगा नदी जो है वो वेस्ट बंगाल में जाकर के दो धारा में विभक्त हो जाती है, उन दोनों ही का नाम लिखना है। तो दोनों का नाम देखिए, भागीरथी एंड हुगली आर टू स्प्लिटेड स्ट्रीम ऑफ गंगा, यानी कि गंगा की ये दो अलग अलग सहायक नदियां हैं या सहायक धारा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 को आप लिख कर लेंगे, इसमें मोशन हो गया, इसको आप मेंशन लिखेंगे। मेंशन द ओरिजिनेशन ऑफ द ब्रह्मपुत्र, यानी ब्रह्मपुत्र का ओरिजिनेशन कैसे होता है उसको मेंशन करें। तो इसमें है, द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मानसरोवर इन द हिमालय, यानी कि ब्रह्मपुत्र का उद्भव जो है वो हिमालय के मानसरोवर झील से होता है। देखिए, यह हम लोग का असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है नेम एनी 5 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बिहार, यानी कि ऐसे 5 पर्व त्योहार के नाम लिखने हैं, उत्सव के नाम लिखने हैं जो बिहार में सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बिहार का जो मुख्य त्योहार है सबसे वो है छठ, दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा एंड होली आर मेनली सेलिब्रेटेड इन बिहार। तो इस तरह से हम लोग का जो भी असाइनमेंट का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट सेक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। राइट एंड रिमेम्बर हिंदी मीनिंग अगेंस्ट दिस वर्ड्स, यानी कि कुछ यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड्स दिए गए हैं, इसके हिंदी मीनिंग को आप लिख करके और याद करेंगे। देखिए, हम लोग का एक्सरसाइज डिस्कशन प्रारंभ होता है। एक्सरसाइज डिस्कशन में आपका फर्स्ट सेक्शन जो है वो है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आपके बुक में दिया गया है, दो दो ऑप्शंस थे, उसमें से दो ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शंस है उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको फिलअप कर लेंगे, याद करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, उसका आंसर है भोजपुरी, सेकेंड आंसर नेपाल, थर्ड का आंसर बिहार, फोर्थ आंसर भूटान एंड नेपाल, फिफ्थ आंसर राइस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में आइए, राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वन, यानी कि ट्रू फॉल्स इसमें आपको करना है। तो ट्रू फॉल्स में आप देखिए, फर्स्ट है हमारा ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका मैच द फॉलोइंग का, मैच द फॉलोइंग में देखिए कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो इसमें सब सामने सामने लिखा हुआ है जो जिसका आंसर है, जैसे विक्टोरिया मेमोरियल, तो विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, कोलकाता में, तो ये इसका आंसर हो गया कोलकाता, ठीक है। ये आप ऐसे ऐसे इसको क्रॉस मैच नहीं करेंगे, ये सामने सामने लिखा हुआ है। फिर रॉयल बंगाल टाइगर का रिलेशन किसके साथ है, सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसके बाद सन टेम्पल रांची, उसके बाद महाबोधि टेम्पल बोध गया और दशम फॉल्स जमशेदपुर। तो इस तरह से ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो गया। देखिए, आपका जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देना है, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन बिहार, यानी कि बिहार में सेलिब्रेट किए जाने वाले 2 फेस्टिवल्स के नाम को मेंशन करना है। तो छठ एंड होली ये 2 फेस्टिवल्स है जो बिहार में मेनली सेलिब्रेट किए जाते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हिच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, यानी कि भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो बिहार इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हिच स्टेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो झारखंड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया, यानी झारखंड एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा माइंस के कारण एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट के रूप में इंडिया में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर आप देखेंगे, व्हिच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, व्हिच इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट मैंग्रोव कौन सा है, तो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, नेम थ्री मेजर इंडस्ट्रीज इन वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के इन्हीं तीन मेजर इंडस्ट्रीज के नाम को मेंशन करना, इंजीनियरिंग, रेल कोचेस एंड लोकोमोटिव, लेदर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि ये सब ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो वेस्ट बंगाल के प्रसिद्ध इंडस्ट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन में है, नेम एनी टू फेमस रिफॉर्मर्स हु हेल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यानी कि दो ऐसे सुप्रसिद्ध समाज सुधारकों का नाम लिखना था जिनका संबंध वेस्ट बंगाल से रहा हो या वो वेस्ट बंगाल से अपने अपॉर्चुनिटी लिए हो, तो राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज फेमस रिफॉर्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ये दो ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स रहे जिनका संबंध वेस्ट बंगाल से रहा है। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो था कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपके सामने तीन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ बिहार, ठीक है, इसको आप बुक से लिख लेंगे, बिहार में जाइए पेज नंबर 38 पर बिहार है, यहाँ 38 में ज्योग्राफी लिखा हुआ है, हम असाइनमेंट में भी लिखवाए या आपको असाइनमेंट में भी लिखवा दिया गया है बिहार का ज्योग्राफी और कल्चर, आप वहां से ज्योग्राफी और कल्चर को एक साथ अटैच करके लिख लेंगे, आपका शॉर्ट नोट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक्सप्लेन ब्रीफली द ज्योग्राफी एंड ऑक्यूपेशन ऑफ झारखंड, झारखंड का ज्योग्राफी और ऑक्यूपेशन मैंने आपको दोनों ही असाइनमेंट में लिखवाया है, तो दोनों को एक साथ मर्ज करके आप लिख लेंगे तो ये आंसर आपका फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो टूरिस्ट स्पॉट है उसमें आपको उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, तो आप वेस्ट बंगाल सेक्शन को जहां से चैप्टर प्रारंभ होता है यानी पेज नंबर 37 से जब प्रारंभ करेंगे पढ़ना ये चैप्टर, तो वहां पे आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा, तो वेस्ट बंगाल में कल्चर और इसका ज्योग्राफी को आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक अलग से पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 38 में टूरिस्ट प्लेसेस दिया हुआ है वेस्ट बंगाल सेक्शन में, 38 पेज पर टूरिस्ट प्लेसेस, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस है, इसमें आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस मेंशन किए गए हैं, आप इसमें से सॉर्ट करके चार पांच टूरिस्ट स्पॉट को लिख लेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों का पूरा ये एक्सरसाइज डिस्कशन सेक्शन कंप्लीट हो गया, आप लोग इसको कई बार देखेंगे, अच्छे तरीके से रिविजन करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है।